हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, और आप लोग का ट्रिपल सी के पेपर सॉल्विंग में स्वागत है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने 3 सेट सॉल्व कर लिए हैं हिंदी के। आज हम लोग हिंदी क्वेश्चन पेपर का ही चौथा सेट सॉल्व करेंगे, जो कि 50 क्वेश्चनों का ही सेट होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से सेट 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। यदि डॉक्यूमेंट के टाइप फेस को चेंज करने की ज़रूरत होती है तो किस टैब को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट के टाइप फेस को, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत होती है तो किस टैब को सेलेक्ट करते हैं। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए होम, बी व्यू, सी इंसर्ट या डी फॉर्मेट। ठीक है, ए होम, बी व्यू, सी इंसर्ट और डी फॉर्मेट। तो इसका सही आंसर है सी इंसर्ट। हम इंसर्ट क्या करते हैं, इंसर्ट टैब को करते हैं ताकि जो डॉक्यूमेंट है उसमें टाइप फेस चेंज हो सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर एक के बाद एक आपको हाइपरलिंक सेलेक्ट करना है तो आप किस बटन को या किस की को प्रेस करेंगे। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी Ctrl+K, ऑप्शन सी Ctrl+H, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, आंसर डी उपरोक्त सभी। ऊपर दिए हुए जितने भी ऑप्शन हैं आपके ना, ऊपर दिए हुए जितने भी ऑप्शन हैं वो सब क्या हैं, वो सब सही हैं। किस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप एक एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए आप क्या करते हैं। ठीक है, आप एक एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए क्या करते हैं। तो आइए इसका देखते हैं। ए एडिट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, बी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करते हैं, सी पहले चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें फिर MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, और डी बी और सी दोनों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, एडिट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं और उसके बाद जो भी आपको एडिट करना है उसको करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब आप माउस को के लेफ्ट बटन को दबा कर रखते हैं और स्लाइड पर माउस को चारों ओर ले जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जब आप माउस के लेफ्ट बटन को, ठीक है, माउस में दो होता है लेफ्ट और राइट, जब आप लेफ्ट बटन को दबा कर रखते हैं और स्लाइड पर माउस को चारों ओर ले जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए हाईलाइटिंग, बी ड्रैगिंग, सी सेलेक्टिंग या डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर है आपका क्या, बी ड्रैगिंग। ठीक है, क्या है, बी ड्रैगिंग, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। ठीक है, आइए आंसर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन रिबन कमांड में उपस्थित विभिन्न प्रेजेंटेशन के व्यू को विकल्प प्रोवाइड कराता है। ठीक है, रिबन कमांड में प्रेजेंटेशन के व्यू को विकल्प प्रोवाइड कराता है। ए व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यू, बी रिव्यू टैब में कमेंट्स ग्रुप, सी ट्रांजिशन टैब में टाइमिंग ग्रुप या डी एनिमेशन टैब में प्रीव्यू व्यू। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, एनिमेशन टैब में प्रीव्यू व्यू। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। सभी स्लाइडों में यूनिफॉर्म अपीयरेंस को जोड़कर आप एक तरह की स्लाइड कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सभी स्लाइडों में यूनिफॉर्म अपीयरेंस को जोड़कर आप एक तरह की स्लाइड कैसे बना सकते हैं, मतलब सभी स्लाइड क्या हो जाए, एक ही तरह लगने लगे। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। ए टेम्पलेट बनाकर, बी स्लाइड मास्टर को एडिट करके, सी ऑटो करेक्ट विजार्ड पर का उपयोग करके या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए टेम्पलेट बना के। हम टेम्पलेट बना के सेव कर देंगे और सभी स्लाइड क्या हो जाएगी, एक ही तरह अपीयर करने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7। टैब स्क्रॉल बटन एक्सेल स्क्रीन पर स्थित होती है। ठीक है, आइए देखते हैं कि टैब स्क्रॉल बटन एक्सेल स्क्रीन पर कहाँ उपस्थित होती है। ठीक है, ए नीचे दाएं कोने की ओर, बी नीचे बाएं कोने की ओर,
सी ऊपरी दाएं कोने की ओर या डी ऊपरी बाएं कोने की ओर। तो इसका सही आंसर है बी, नीचे बाएं कोने की ओर आपकी क्या होगी, टैब स्क्रॉल बटन होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉर्मूला बार के बाईं ओर नेम बॉक्स होता है, उसमें क्या प्रदर्शित होता है? ठीक है, एक्सेल में फॉर्मूला बार होता है, उसके राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे बाईं ओर, ठीक है, एक क्या होता है, नेम बॉक्स होता है, वो क्या करता है, आइए देखते हैं। ए, प्रेजेंट में काम कर रहे वर्कबुक का नाम दिखता है। बी, प्रेजेंट में काम कर रहे वर्कशीट का नाम दिखता है। सी, प्रेजेंट में काम कर रहे सेल का नाम और रेंज दिखाई देती है, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, प्रेजेंट में काम कर रहा है सेल और रेंज दिखाई देती है। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नेम बॉक्स में वो सेल और रेंज दिखाई देगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9। एमएस वर्ड स्क्रीन पर आप हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार कहाँ पा सकते हैं? ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, ये आप कहाँ पा सकते हैं? ए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लेफ्ट में। बी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के राइट में। ठीक है, सी, वर्टिकल स्क्रॉल बार के टॉप में, या डी, वर्टिकल स्क्रॉल बार के बॉटम में। तो इसका सही आंसर है सी, वर्टिकल स्क्रॉल बार के टॉप में आप क्या पाएंगे, आप पाएंगे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से एमएस वर्ड की स्क्रीन में रूलर कहाँ उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, रूलर जो होता है वो एमएस वर्ड में कहाँ नहीं होता है? टैब स्टॉप बॉक्स, ए, बी लेफ्ट इंडेंट, सी राइट इंडेंट, या डी सेंटर इंडेंट। तो इसका सही आंसर है ए, टैब स्टॉप बॉक्स। यहाँ पे क्या नहीं होता, यहाँ पे आपको रूलर उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के बाईं ओर के स्थान को क्या कहते हैं? ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो होता है ना, उसके बाईं ओर जो भी स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? ए, टैब स्टॉप बटन, बी व्यू बटन, सी स्प्लिट बटन, या डी इंडिकेटर। तो इसका सही आंसर है बी व्यू बटन। क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है बी व्यू बटन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आप कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? ठीक है, आप कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? ए, 3, बी 4, सी 5, या डी 6। तो आप तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, तीन प्रकार के डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ आंसर क्वेश्चन क्या है, सेव कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट पर लागू बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट किस प्रकार के व्यू में दिखाई नहीं देते हैं? ठीक है, डॉक्यूमेंट में अगर आप बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट लगाएं तो वो किस तरह के व्यू में नहीं दिखाई देंगे? ठीक है, ऑप्शन है आपका ए, वेब लेआउट व्यू, बी प्रिंट लेआउट व्यू, सी रीडिंग व्यू, या डी आउटलाइन व्यू। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, ए, ए वेब लेआउट व्यू। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे प्रमुख इस क्वेश्चन में क्या है, नहीं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डॉक्यूमेंट का एक ऐसा हिस्सा जिसे आप सेट करके उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, डॉक्यूमेंट का एक ऐसा हिस्सा जिसे आप सेट करके उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा ए, पेज, बी डॉक्यूमेंट, सी सेक्शन, या डी पेज सेटअप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट का ऐसा हिस्सा जिसे आप सेट करके उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 15, बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे बॉर्डर अप्लाई होगा, सेल्स पे, पैराग्राफ पे, टेक्स्ट पे, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आप टेक्स्ट पे भी पैराग्राफ बॉर्डर लगा सकते हैं, पैराग्राफ पे भी लगा सकते हैं, और सेल पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, सब में बॉर्डर लग जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन पेज मार्जिन का टाइप नहीं है? ठीक है, एमएस वर्ड में पेज मार्जिन होता है, उसमें इसमें से कौन सा ऐसा है जो पेज मार्जिन का ऑप्शन नहीं है? ठीक है, ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर, या डी टॉप। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बी राइट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन कितना होता है? ठीक
ठीक है, डिफॉल्ट कितना होता है, आइए, ए 1 इंच, बी 1.25 इंच, सी 1.5 इंच, या डी 2 इंच। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी 1.25 इंच। डिफॉल्ट का मतलब होता है, देखिए जब हम ओपन करते हैं तो उस समय जो ऑटोमेटिक सेव रहता है मार्जिन और बार बार आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ठीक है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, अब क्या है देखते हैं। ए पेज ओरिएंटेशन, बी पेपर साइज, सी पेज लेआउट, या डी उपरोक्त सभी। तो ये है आपका पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या है पेज ओरिएंटेशन, ये आपको कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट में मिल जाएगा, एमएस वर्ड में। ठीक है, आइए 19 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्शन प्रिंटिंग हैंड आउट का नहीं है? ठीक है, प्रिंटिंग हैंड आउट का इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पे। ठीक है, आइए, ए 6 स्लाइड पर पेज, बी 5 स्लाइड पर पेज, ठीक है, पर पेज का मतलब है कि प्रति पेज, ठीक है, सी 3 स्लाइड्स पर पेज, या डी 2 स्लाइड्स पर पेज। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका बी 5 स्लाइड पर पेज, ये आपका प्रिंटिंग हैंडआउट नहीं होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नेक्स्ट कॉलम पर जाने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के लिए आप किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? ए माउस के द्वारा नेक्स्ट कॉलम पर जाने के लिए क्लिक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कॉलम पे, बी प्रेस ऑल्ट प्लस डाउन एरो करते हैं, सी ए और बी दोनों करते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सी ए और बी दोनों, दोनों ऑप्शन से क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन से आपका नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा क्या, कर्सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल का नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका फॉन्ट स्टाइल का नहीं है? ठीक है, नहीं पे ही ध्यान देंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हाँ में आता है कौन सा है, तो ये आपको जब नहीं मिलेगा तो इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, आइए, ए बोल्ड, बी इटैलिक, सी रेगुलर, या डी रिव्यू। ठीक है, क्या है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और रिव्यू। तो इसका सही आंसर है, इसका सही क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है डी रिव्यू। ठीक है, रिव्यू आपको नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है भाई, रिव्यू आपको फॉन्ट स्टाइल में नहीं मिलता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22, लिस्ट में आइटम्स की पहचान करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है? ठीक है, लिस्ट में अगर आइटम है तो उसका पहचान करने के लिए कौन सा सिंबल का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 पे चल रहे हैं हम लोग। ए आइकन, बी मार्क्स, सी बुलेट, या डी ग्राफिक्स। ठीक है, ए आइकन, बी मार्क्स, सी बुलेट, या डी ग्राफिक्स। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है सी बुलेट। आप बुलेट लगा देंगे और लिस्ट में जो भी आइटम है वो क्या कर देगा, वो इस सिंबल के उपयोग से हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23, पावर पॉइंट में स्लाइड के लिए निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है? ठीक है, पावर पॉइंट में स्लाइड करते हैं तो उसमें से ये कौन सा डिफॉल्ट पेज सेटअप ओरिएंटेशन होता है? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम लोग। ए वर्टिकल, बी लैंडस्केप, सी पोर्ट्रेट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, पोर्ट्रेट। दो ही ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा पावर पॉइंट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 24, सेल में कंटेंट की एडिटिंग करने के लिए निम्न में से कौन सी मेथड सही नहीं है? ठीक है, एडिट करना है तो इसमें से कौन सा मेथड है जो सही नहीं है सेल में? ठीक है, आइए, ए प्रेस ऑल्ट की, बी प्रेस F2 की, सी फॉर्मूला बार पर क्लिक करें, या डी सेल पर डबल क्लिक करें। तो इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, नहीं पे फिर ध्यान देंगे, कहाँ पे नहीं, इसका सही आंसर है 24 का ए प्रेस ऑल्ट की। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ए प्रेस ऑल्ट की, ऑल्ट की ही है जिससे एडिटिंग नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा ऑप्शन टेक्स्ट फंक्शन का नहीं है? ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम टेक्स्ट फंक्शन पे यूज़ नहीं करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ए 4, ठीक है, ये कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, बी डॉलर, सी वर, और डी ABS। इसका सही आंसर है डी ABS। ABS आपका टेक्स्ट फंक्शन के लिए नहीं है। ठीक है, कौन सा, डी ABS।
क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, ठीक है। अब कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है? ए इनपुट, बी आउटपुट, ठीक है, सी प्रोसेस, या डी उपरोक्त तीनों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 का है डी उपरोक्त तीनों, ये वाला ऑप्शन है आपका डी उपरोक्त तीनों, ठीक है। क्या है? उपरोक्त तीनों, तो तीनों ऑप्शन है ना, प्रोसेस इनपुट आउटपुट, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? तीनों आपके कंप्यूटर कार्य के सिद्धांत हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है, ठीक है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप लोग जानते हैं सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य घटक क्या है? ए कंट्रोल यूनिट, बी अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, या डी सी प्राइमरी मेमोरी, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी मिलके क्या होते हैं? सीपीयू होते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अब कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन कहलाता है? ए मेमोरी, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, या डी मॉनिटर। तो देखिए सी सीपीयू, यही कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ठीक है, सीपीयू। इसीलिए इसमें क्या होती है, देखिए उप क्वेश्चन नंबर 27 में कंट्रोल भी करता है, अर्थमेटिक भी है, प्राइमरी मेमोरी, सब किस में है? सीपीयू में। इसीलिए ये क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सीपीयू के कार्य। अब सीपीयू के कार्य क्या क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है, ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। आइए, ए इनपुट व आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, बी डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, सी निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, डी उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी, ऊपर के जितने ऑप्शन हैं ना आपके, ये इनपुट या आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, ये भी सीपीयू काम है, डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, ये भी सीपीयू काम है, और निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये भी सीपीयू का काम है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या हैं? सीपीयू के ही कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, ठीक है, कौन सा ब्रांड है जो पेंटियम ब्रांड नेम से बेचा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 पे हैं हम लोग, ठीक है। ए मोबाइल चिप, बी कंप्यूटर चिप, सी कंप्यूटर, या डी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को ही किससे बेचते हैं? पेंटियम के नाम से, पेंटियम 4, पेंटियम 3, ये अलग वैरायटी है प्रोसेसर के, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है, ठीक है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 31 आइए देखते हैं, एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, या अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका सही आंसर है ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी आपके सीपीयू में ही होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 32, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है। अब इनपुट को आउटपुट में कैसे बदला जाता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पेरिफेरल्स द्वारा, ठीक है, पेरिफेरल्स अलग अलग डिवाइस होती है, मेमोरी द्वारा, स्टोरेज द्वारा, या सीपीयू द्वारा। इसका सही आंसर है बी मेमोरी द्वारा, मेमोरी में ही स्टोर होके और क्या वर्क करना है, इनपुट आउटपुट का रिजल्ट उसी से आता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं आउटपुट, इनपुट, एल्गोरिदम, या कैलकुलेशन। तो जो कंप्यूटर में डेटा जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर से जो रिजल्ट आता है उसे हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, ठीक है, सीपीयू का कौन सा भाग है जो आकलन भी करता है और निर्णय भी लेता है? ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, सी अल्टरनेट लोकल यूनिट, और डी अमेरिकन लॉजिक यूनिट। इसका सही आंसर है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। आपको बताया गया था सीपीयू में होता है और सीपीयू ही ब्रेन है, लॉजिक आ गया तो इसका मतलब ये लॉजिक को पकड़ेगा और सही से निर्णय लेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 35, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को बदलते हुए क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी केस, या डी सीपीयू। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का ए प्रोसेसर, प्रोसेसर ही एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है क्या है? ए सीपीयू,
बी कीबोर्ड, सी डिस्क या डी प्रिंटर। इसका सही आंसर है ए सीपीयू, सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, 37, सीपीयू का पूरा नाम। अब सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, आइए इसका देखते हैं। दिया है ऑप्शन ए सेंट्रल प्लेस यूनिट, गलत। बी सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, गलत। सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर क्या है? सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हमें आंसर पता है और हमें सही आंसर मिल गया तो चौथा ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया। अब कमांड जब आप देते हैं तो वो कंप्यूटर में जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, ए फेचिंग, बी स्टोरिंग, सी डिकोडिंग या डी एग्जीक्यूटिंग। तो इसका सही आंसर है ए फेचिंग। जब कमांड ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ए फेचिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों का नियंत्रण करता है क्या कहलाता है? ठीक है, ए मदरबोर्ड, बी कोऑर्डिनेशन बोर्ड, सी कंट्रोल यूनिट या डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो 39 का सही आंसर क्या है? सी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ही क्या करता है? अन्य उपकरण की गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कंट्रोल है, तो कंट्रोल यूनिट ही नियंत्रण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है भाई? ए डेटा, बी मेमोरी, सी आउटपुट या डी इनपुट। इसका सही आंसर है सी आउटपुट। आपको देखिए पहले बताए थे, अभी एक क्वेश्चन आया था इनपुट वाला, कि हम जो निर्देश कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट, कंप्यूटर जो रिजल्ट हमें देता है वो आउटपुट। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 41। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? तो ए प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, बी डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, सी डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, डी दोनों बी और सी। तो इसका सही आंसर है डी दोनों बी और सी। ठीक है, बी और सी क्या है? डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, और सी है डेटा और जानकारी प्रोसेस करना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा गणितीय परिकलन किए जाते हैं। ठीक है, तार्किक और क्या कहते हैं? अंक गणितीय कहाँ किए जाते हैं? आइए क्वेश्चन नंबर 42। ए प्रणाली बोर्ड द्वारा, बी केंद्रीय नियंत्रक द्वारा, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा या डी मदर बोर्ड द्वारा। तो सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीपीयू के द्वारा, क्योंकि उसमें एक पार्ट होता है अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, तो अर्थमैटिक में आपका ये आ जाएगा अंक गणित। ठीक है, और लॉजिक में आ जाएगा तार्किक। ठीक है, तो इसीलिए सीपीयू का ही एक पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है क्या है भाई? देखिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 43। ए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, बी सिस्टम और एप्लीकेशन, सी डेटा सूचना और एप्लीकेशन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ए इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। पहले इनपुट देंगे आप, फिर उसको प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट देगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 44। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा और उपकरणों को जोड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। ए इनपुट यूनिट, बी सिस्टम बस, सी एएलयू या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 44 का? बी सिस्टम बस। सिस्टम बस ही क्या करता है? सबको जोड़ता है मदरबोर्ड से। 45 क्वेश्चन। मदरबोर्ड है, अब मदरबोर्ड इसमें से क्या है देखते हैं। कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप। ठीक है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो पहला चिप होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन 2। सर्किट बोर्ड में पेरिफेरल डिवाइस होती है। ठीक है, ये एक डिवाइस होती है सर्किट बोर्ड में। सी वही जो सीपीयू चिप है। ठीक है, सीपीयू की जो चिप है वही मदरबोर्ड है। या डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे होते हैं, क्या वो मदरबोर्ड है? सही आंसर है हाँ, ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य बोर्ड क्या होते हैं? चिप लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। अब कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? एक सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंटर इंटर इंटर
क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है। ए सॉफ्टवेयर जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर में सभी इंटरैक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। सी एक टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। एक डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है आपका सी, एक ऐसी टाइमिंग डिवाइस जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करती है और इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। क्या कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, कंप्यूटर स्पीड की घड़ी की गणना कैसे की जाती है? गीगाबाइट में, ए बी बिट में, सी मेगाहर्ट्ज में, या डी सेकंड में। तो इसका सही आंसर है सी, किस में की जाती है? सी मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, सही आंसर क्या है? मेगाहर्ट्ज में इसका स्पीड की गणना की जाती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को क्या कहते हैं? ठीक है, इन लाइनों को क्या कहते हैं? ए कंडक्टर्स, बी बसेस, सी कनेक्टर्स, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी कनेक्टर्स। ठीक है, कनेक्टर्स ही होते हैं। क्या करते हैं वो? विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों को आपस में जोड़े रखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49, बायोस का पूरा नाम क्या है? ए बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी बेसिक इंटरनल ऑर्गम सिस्टम, सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है, अब किससे सूचना के माध्यम से वो ट्रेवल करता है देखते हैं। ए फ्लैश मेमोरी, बी सी मॉस, सी वेज, या डी बसेज। तो इसका सही आंसर है बसेज। बसेज ही से सूचना क्या होती है? मदरबोर्ड में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ने आज चौथा सेट पूरा कर लिया ट्रिपल सी के 50 क्वेश्चनों का। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, और ये सिर्फ ट्रिपल सी के ही लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है। आप कोई और भी कंप्यूटर कोर्स करेंगे तो फंडामेंटल जिसमें है, सब में बेसिक कंप्यूटर सब में होती है, सब में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।